तो यार आज हम बात करने वाले हैं कोरियन मूवीज की, क्योंकि भले ही हॉलीवुड मूवीज ने VFX के नाम पे झंडे गाड़ रखे हैं, लेकिन अगर स्टोरी की बात करें तो कोरियन मूवीज के आसपास भी आना बहुत मुश्किल है। अब आज इस वीडियो में 8 कोरियन मूवीज के बारे में बताऊंगा जो कि मुझे अच्छे लगे हैं, और आप देखोगे तो आपको भी अच्छे लगेंगे। अब ऐसा नहीं है कि इस लिस्ट में मैंने मूवीज को रैंक किया है, सारे मूवीज अपने जगह पे बेस्ट हैं। तो हाँ, कमेंट में कोई ये नहीं बोलना कि नंबर 4 पे ये वाली होनी चाहिए थी, नंबर 1 पे ये वाली होनी चाहिए थी, ऐसा कुछ इसमें है ही नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं 2013 में आई स्नोपियर्सर की। अब इसे लिस्ट में सबसे पहले मैंने इसलिए रखा क्योंकि अगर आप पहली बार कोई कोरियन मूवी देखने जा रहे हो तो सबसे पहले इससे स्टार्ट करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इससे ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि मूवी का मोस्ट ऑफ द पार्ट इंग्लिश में है और बहुत कम ही पार्ट कोरियन लैंग्वेज में है, और ऊपर से इसमें लीड में है अपने क्रिस इवेंस। अब स्टोरी का ओवरव्यू दूं तो ये एक फ्यूचर के अर्थ की स्टोरी है जहां सेकंड आई से जा चुका है और सरवाइव करने के लिए अर्थ पे बचे हुए ह्यूमंस एक ट्रेन पे रहते हैं, जहां सबसे गरीब लोग ट्रेन के पिछले हिस्से में रहते हैं, वहीं सबसे अमीर लोग सबसे आगे वाले हिस्से में। और इसी स्ट्रगल को मूवी में बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है, और दिखाया गया है कि कैसे यही स्ट्रगल एक रेबेलियन में बदल जाता है, जिसके कारण हमें मूवी में एक ट्रेन के अंदर ही कुछ कमाल के एक्शन सीन्स साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने को मिलती है। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक कोई कोरियन मूवी नहीं देखी तो इस मूवी के साथ शुरुआत कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो मूवी जो मुझे बहुत पसंद आई वो है 2011 की आई सॉ द डेविल। अब ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्राइम थ्रिलर एक्शन मूवी है, जो कि भाई सच कहूं तो अगर आप मारपीट देखकर डर जाते हो तो गलती से भी ये मूवी नहीं देखना। बॉलीवुड में ये मूवी रहती तो सेंसर बोर्ड से गुजरने के बाद सिर्फ ट्रेलर ही बचता। अब बॉलीवुड से ये याद आया कि यहाँ इसका एक रीमेक भी बन चुका है, और पूरी की पूरी स्टोरी इसी मूवी से उठाई गई है। 2014 में आई एक विलेन इसी मूवी की कॉपी है, एंड टू बी ऑनेस्ट मूवी अच्छी थी लेकिन कोरियन मूवी के आसपास भी नहीं थी। अब लगातार दो मूवी से बहुत ज्यादा मार धाड़ खून खराबा हो गया, तो आते हैं एक अच्छे हैप्पी सैड मूवी पे, 2017 की ओगजा। अब हैप्पी सैड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको खुशी भी होगी और दुख भी। अब ये जो मूवी है वो बहुत सारे लोगों को इतना इम्पैक्ट करेगी कि वो नॉनवेज खाना ही छोड़ देंगे। इसमें एक हाइब्रिड पिग और एक बच्ची की स्टोरी दिखाई गई है कि कैसे दोनों बचपन से एक साथ बड़े होते हैं, लेकिन एक मीट इंडस्ट्री की कंपनी उस हाइब्रिड पिग को वापस ले जाती है ताकि उसे मारकर आम लोगों के प्लेट तक पहुंचाया जा सके। अब सुनने में ये बहुत ही सिंपल स्टोरी लग रही है, लेकिन जो इमोशन और ड्रामा मूवी में है वो देखने लायक है, वो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल है, इसलिए ये मूवी तो जरूर देखना। नेक्स्ट है 2010 में आई द मैन फ्रॉम नोवेयर। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसमें आपको एक्शन थ्रिलर और ड्रामा तो भर भर के मिलेगा। अब इस मूवी के बारे में मैं कुछ भी बोलूंगा तो वो स्पॉइलर ही होगा, बट बेसिक प्लॉट यही है कि एक एक्स कॉन आर्टिस्ट रहता है जिसे वापस ड्रग डीलिंग के काम में जाना पड़ता है। अब क्यों, कैसे, ये सब जानने के लिए आपको तो मूवी देखना पड़ेगा। और हाँ, इसका बॉलीवुड में भी ऑफिशियल रीमेक हुआ है, जॉन अब्राहम की रॉकी हैंडसम, जो कि मैंने नहीं देखा था, तो आप लोग ही कमेंट कर देना कि कैसी मूवी थी वो। अब आगे बढ़े तो भाई है ओल्ड बॉय, जो कि 2003 में रिलीज हुई थी। अब आपने मूवी देखी हो या ना देखी हो, लेकिन ये पोस्टर जरूर देखा होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। ये एक रिवेंज एक्शन ड्रामा मूवी है जिसे देखने के बाद भाई साहब हाँ कुछ ऐसा ही रिएक्शन होगा आपका। बहुत लोगों को ये मूवी अजीब लग सकती है और ऑफेंड भी कर सकती है, भाई सब मूवी सबके लिए तो बनी नहीं होती, वैसे ही कुछ ऑकवर्ड इस मूवी में भी होता है। लेकिन ये मूवी कितनी हिट रही इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि इसका रीमेक सिर्फ बॉलीवुड में नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी हुआ है। बॉलीवुड में तो इस पे जिंदा मूवी बनी जिसमें संजय दत्त और जॉन अब्राहम थे, और इसी के साथ हॉलीवुड में ओल्ड बॉय नाम से ही इस मूवी का रीमेक किया गया जिसमें अपने थैनोस वाले जॉर्ज ब्रोलिन और स्कारलेट विच वाली एलिजाबेथ ऑल्सन थी। नेक्स्ट आते हैं 2014 की ओड टू माई फादर पे, और सच कहूं तो ये मूवी आपको नेक्स्ट लेवल वाला इमोशनल कर देगी। इसकी स्टोरी नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच हुए वॉर पे बेस्ड है, जहां एक बच्चा अपने पिता और बहन से अलग हो जाता है और पूरी लाइफ उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है। अब शायद आप सलमान भाई के फैन होंगे तो स्टोरी सुनी सुनी लगी होगी, क्योंकि यार सलमान भाई ने इसका इंडियन वर्जन भारत बनाया था, और सच कहूं तो कोरियन मूवी देखने के बाद अगर आप सलमान भाई की ये मूवी देखोगे तो यही कहोगे ये तो टट्टी है। अब जैसा इमोशन ओरिजिनल मूवी में था उसको हर तरीके से गाने और डांस डाल के बॉलीवुड में बर्बाद कर दिया गया, इसलिए ये मूवी तो जरूर देखना अगर भारत देखी है तो, तब जाके आपको पता चलेगा कि बॉलीवुड में कैसे इस मूवी का कचरा किया गया है। और अगर भारत नहीं देखी है तो सिर्फ ये ही मूवी देखना, भारत देख के क्या फायदा, स्टोरी तो इन्होंने सेम ही छाप दिया है। आगे आते हैं 2019 में आई पैरासाइट पे। तो ये जो मूवी है इसे बेस्ट मूवी का ऑस्कर मिल चुका है, और ऐसा क्यों आप मूवी देख के समझ जाओगे। मूवी की स्टोरी बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन जो ट्विस्ट एंड में है उसके बाद भाई आप कुछ ऐसा रिएक्शन दोगे
एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और इन सब के ऊपर से इस मूवी के एक एक शॉट, एक एक लाइन, सब कुछ में कितना डीप मीनिंग है ये कोई मूवी लवर ही समझ सकता है। और यार सच कहूं तो जिनको ये मूवी अच्छी नहीं लगी तो समझ लेना कि उसको इलॉजिकल मूवीज पसंद है और सिनेमा की कुछ भी समझ नहीं है। इसलिए तो यार मैंने इस मूवी पे एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया था जहां मैंने इसका पूरा एनालिसिस किया है, आप चाहो तो आई बटन पे वो वीडियो देख सकते हो। और इस लिस्ट की सबसे लास्ट मूवी है 2016 में आई ट्रेन टू बुसान, और शायद इसका सीक्वल भी इसी साल आने वाला है। ये एक जॉम्बी मूवी है जहां कुछ लोग बचते हैं और बाकी सब जॉम्बीज बन जाते हैं। अब ऐसा जरूर लगता कि ये टॉपिक उतना फ्रेश या यूनिक नहीं है और इसके साथ कुछ अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बाद भी सिर्फ अपने स्टोरी और स्क्रीन प्ले से ये मूवी आपको बांधे रखती है। आप चाहो तो मैं बेस्ट जॉम्बी मूवीज पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा, कमेंट कर देना। तो यार कुछ और देखो ना देखो, इस साल 2020 में बहुत टाइम है तो ये सारे मूवीज जरूर देख लेना। अब मैंने बहुत ज्यादा कोरियन मूवीज तो नहीं देखे हैं, 40-50 देखे होंगे जिनमें से ये मुझे बहुत अच्छे लगे। हो सकता है कि आपके पास इससे भी अच्छे सजेशंस हो तो वो भी कमेंट में बता देना, तो मैं उन कोरियन मूवीज को भी देखने का ट्राई करूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड ऑब्वियसली ऐसी और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना। पैरासाइट के बारे में डिटेल में एनालिसिस देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और आरडीजे के 8 बेस्ट मूवीज जानने के लिए नीचे वाली। मैं फिर से किसी और वीडियो में सुनाई दूंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।